हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ Realme का Narzo 30A। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन सेट है, बहुत ही लो प्राइस में, कम प्राइस में बहुत ही बेहतरीन फीचर के साथ आपको ये मिलता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे डिस्प्ले, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले है दोस्तों। तो डिस्प्ले में जो कलर है, प्रोडक्शन है, काफ़ी अच्छी शार्प डिस्प्ले है। आप देख रहे होंगे जिस तरह से काफ़ी अच्छी डिस्प्ले है, बिल्कुल शार्प। तो काफ़ी अच्छी तरह से जो इसका डिस्प्ले है, कम प्राइस में अपने सेगमेंट में काफ़ी अच्छी डिस्प्ले देता है दोस्तों। मुझे काफ़ी पसंद आया इसका डिस्प्ले। और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, काफ़ी स्मूथ चलता है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया चलता है। और गेमिंग प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा है इसका, जो इसमें आप गेमिंग अच्छी तरह से खेल सकते हैं। देखिए डिस्प्ले में कितनी डिटेल दिख रही होगी आपको, बहुत अच्छी तरह से डिटेल दिख रही है। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मैं इसको देखिए, इसके UI कितना बढ़िया है, बहुत ही अच्छी तरह से स्मूथ रन करता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी तरह से स्क्रॉल कर रहा है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ जाके, तो यहाँ पर हम जाते हैं अबाउट में। मैं आपको दिखाता हूँ अबाउट में जाके, यहाँ पर हम अबाउट में गए तो यहाँ पर देखिए आप देख रहे होंगे जैसे कि Realme Narzo 30A। तो दोस्तों ये जो इसका UI है वर्जन 2.0 है। तो यहाँ प्रोसेसर आपको Helio G85 मिल रहा है, 4GB रैम मिल रही है दोस्तों, और 64GB की रोम मिल रही है यहाँ पर, और 4GB रैम मिल रही है दोस्तों। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन फ़ोन है, कंपनी कम प्राइस में बहुत ही अच्छे फीचर के साथ आता है दोस्तों। साउंड की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पर ये मैंने अभी नया फ़ोन लिया है दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे होंगे, बिल्कुल बहुत ही प्रीमियम सेट फ़ोन है दोस्तों, काफ़ी अच्छा है। तो कम प्राइस में अगर जिसको लेना है तो बहुत ही अच्छे क्वालिटी के साथ। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे, आप इसमें 4K वीडियो भी देखते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको 4K वीडियो चला के दिखा देता हूँ किस तरह से इसका डिस्प्ले 4K वीडियो को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर अभी दिखाता हूँ, बिल्कुल अभी दोस्तों ये नया फ़ोन है तो मैंने बिल्कुल सेटअप नहीं किया यहाँ पर। तो हम यहाँ पर इसको, यहाँ पर यूट्यूब देखिए, यूट्यूब एकदम से रन करने लग गया है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ 4K दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे होंगे, देखिए कलर प्रोडक्शन देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी डिस्प्ले है इसकी। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी डिस्प्ले है, बिल्कुल शार्प है, तो कलर बहुत ही अच्छे व्यू आते हैं इसमें। तो आप रहे हैं डिस्प्ले के कलर देखिए, बिल्कुल बहुत ही अच्छी कलर आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो कलर कॉन्ट्रास्ट है वो काफ़ी पसंद आया, और डिस्प्ले काफ़ी अच्छी इसका कलर दे रहा है दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए डिटेल एकदम बहुत ही बेहतरीन डिटेल दे रहे हैं, तो इसलिए मुझे ये फ़ोन काफ़ी पसंद आया। अपने कम प्राइस में होने के साथ भी कलर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का दे रहा है इसका डिस्प्ले। तो दोस्तों प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मैं आपका दोस्त SK टेक्निकल खड़का जी। तो दोस्तों मैं आपका और भी कुछ इसके बारे में बताऊंगा, फुल रिव्यू करूंगा मैं दोस्तों इसके। तो इसमें बताऊंगा कि पबजी गेमिंग किस तरह से चलता है, किस तरह से इसमें, किस तरह से पबजी गेम स्मूथ चलता है कि नहीं चलता है, तो उसका रिव्यू भी ज़रूर करूंगा दोस्तों मैं। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा मेरे, तो जिसमें मैं इसका रिव्यू करूँगा कि किस तरह से इसमें पबजी गेम चलता है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कलर डिस्प्ले कितनी अच्छी है दोस्तों, डिस्प्ले काफ़ी पसंद आई मुझे, तो काफ़ी अच्छी तरह से डिस्प्ले रन कर रहा है। बैक पैनल आप देख सकते हैं, बैक पैनल इस टाइप से है दोस्तों इसका। तो बैक पैनल आप देख सकते हैं यहाँ पर, और आपको मिलने वाले हैं 3 कैमरे यहाँ पर, इसमें 3 कैमरे। तो यहाँ पर देखिए बैक पैनल भी काफ़ी अच्छा है दोस्तों, काफ़ी पसंद आया मुझे बैक पैनल भी, नॉर्मल है। तो यहाँ पर आप बैक कैमरा देख रहे होंगे, बिल्कुल बैक कैमरा आपको 3 मिलने वाले हैं दोस्तों, नॉर्मल सी बॉडी है बैक साइड इसकी। यहाँ पर देखिए मैं आप और चीज़ बता देता हूँ आपको, तो फीचर भी इसमें काफ़ी अच्छी तरह से
मिल जाते हैं दोस्तों। तो मैं कैमरा सैंपल दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर मैं कैमरा खोलता हूँ, कैमरे की क्वालिटी आप देख रहे होंगे, जिस तरह से आपको दिख रहा होगा काफ़ी अच्छी डिटेल है कैमरे की। तो अपने प्राइस के सेगमेंट में ठीक ठाक ही है दोस्तों कैमरा, ज़्यादा बेस्ट नहीं बोल सकते मगर ओके है दोस्तों इसका कैमरे की क्वालिटी। तो कैमरे की क्वालिटी मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ। दोस्तों मैं आपको कैमरे की क्वालिटी दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक्चुअली में क्या है दोस्तों, जो आप फोन में कैमरे से वीडियो बना रहा हूँ तो आप देख रहे होंगे कि इसके डिस्प्ले में जो कलर है तो बहुत ही अच्छे कलर आ रहे हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कलर जो है कैमरा दोस्तों ओके है। तो कुछ खास ज़्यादा बेहतरीन नहीं बोल सकते हम इस कैमरे को मगर तभी भी बेस्ट है, अपनी सेगमेंट में बेस्ट है और बहुत ही अच्छे कलर प्रोडक्ट निकाल रहा है दोस्तों ये। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर इसका कलर इस टाइप का और इसमें काफ़ी उजाला काफ़ी ब्राइट आ रहा है दोस्तों यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं ये। तो देखिए इस तरह से आपको फर्क दिखने वाला है। यहाँ पर मैं एक फ़ोटो ले लेता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर हमने एक फ़ोटो ले ली। अब फोटो लेने के बाद मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ दोस्तों। तो अभी नया फ़ोन है दोस्तों, मैंने सेटअप भी नहीं किया है। तो देखिए डिटेलिंग काफ़ी अच्छी है फ़ोन की। तो कैमरा क्वालिटी गुड है दोस्तों, एक्सीलेंट नहीं बोल सकते मगर गुड है दोस्तों, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की फ़ोटो नज़र आ रही है। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाकी मैं आपका अगले रिव्यू में ज़रूर बताऊँगा इसमें गेमिंग के लिए फ़ोन कैसा है 10,000 की सेगमेंट में। अगर आपको 10,000 के अंडर में फ़ोन लेना है तो ये फ़ोन सबसे बेस्ट है दोस्तों। तो अब सबसे बेस्ट है तो बोले तो 10,000 में काफ़ी अच्छा क्वालिटी की और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। देखिए अब काफ़ी पतला भी है दोस्तों, ज़्यादा मोटा नहीं, मतलब मीडियम साइज का ही है दोस्तों। तो यहाँ ज़्यादा मोटा भी नहीं दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पर देख रहे होंगे जिस तरह से आप, तो काफ़ी पतला है सेट है यहाँ पर। तो गेमिंग के लिए अच्छा है दोस्तों, गेमिंग भी काफ़ी हेलो। तो यहाँ पर मैं प्रोसेसर दिखा देता हूँ आपको दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको दिखाई दिया था प्रोसेसर, अगर मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ इसमें, तो हेलो G85 प्रोसेसर आपको इसमें मिलने वाला है। तो काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। प्लीज़ दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं आपका दोस्त इसके टेक्निकल करता जी। बाकी मैं आपको यूज़ करने के बाद बताऊँगा कि ये मोबाइल किस तरह का है, किस तरह से इसमें गेमिंग चलती है, अच्छी नहीं चलती कि नहीं चलती। और दोस्तों मैंने यहाँ पर एक कवर भी मंगाया है इस फ़ोन के साथ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक कवर जो जीन्स के पैटर्न में आपको कवर दिख रहा होगा, तो ये भी काफ़ी अच्छा पैटर्न है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्वालिटी का प्लास्टिक है दोस्तों। ये भी मैंने फ्लिपकार्ट से ही मंगाया है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर। तो ये मैं फ़ोन तो दोनों काफ़ी अच्छा क्वालिटी की डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है दोस्तों। यहाँ पर डिस्प्ले मुझे काफ़ी पसंद आई। यहाँ पर देखिए आप देख रहे होंगे, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं आपका दोस्त SK टेक्निकल करता जी। तो आज के लिए इतना ही, अगला रिव्यू में ज़रूर देखिएगा दोस्तों। मैं तो गेम अब फिर मैं एक और वीडियो डालूंगा इसके बारे में कि ये फ़ोन गेमिंग करते समय गर्म होता है कि नहीं है, और पबजी हाई लेवल में इसमें खेल सकते हैं कि नहीं, गेम के लिए कैसा है दोस्तों, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बाकी मुझे फ़ोन काफ़ी पसंद आया। तो आज के लिए